और आज की गुड मॉर्निंग जो है वो किचन से शुरू हो रही है और मेरे बैकग्राउंड में आप लोग को गाड़ी की आवाज आ रही होगी क्योंकि आप लोग को जैसा कि पता है कि मेरा जो घर है वो रोड से बहुत पास में है, इसलिए गाड़ी की आवाज आ रही होगी। तो इस वक्त मैं बना रही हूँ चीनी का कैरेमल खीर के लिए, क्योंकि एनिवर्सरी में मैंने किसी खास लोगों को इनवाइट नहीं किया था। खास लोगों को क्या, इनवाइट ही किसी को नहीं किया था, सेलिब्रेट ही नहीं किया था। तो कुछ फ्रेंड्स को आज रात के डिनर पे इनवाइट किया है, तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से मैं कर रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खीर। तो आइए मैं आपको खीर दिखाती हूँ। और खीर के लिए ही मैंने बनाया है चीनी का कैरेमल। और कैरेमल अगर बनाएं और ऐसा अगर हो जाए, हार्ड हो जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, ये दूध में बिल्कुल घुल जाएगी। मेरी एक डिश जो है वो बनके रेडी हो चुकी है, खीर जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। और दूसरा डिश बन रहा है गाजर का हलवा। और अगल बगल का जो मैस है उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि खाना बनाते वक्त किचन तो ऐसा हो ही जाता है। मैं सब्जी में मशरूम गार्लिक बनाने वाली हूँ, तो मशरूम यहाँ मैं कट कर रही हूँ। इसे चार भागों में मैं कट कर ले रही हूँ, और जहां से मुझे लग रहा है कि इसे छीलने की जरूरत है वहां से मैं छील भी दे रही हूँ। और इधर मेरा गाजर का हलवा जो है वो लास्ट में है, मतलब होने ही वाला है। बीच बीच में इसे भी देखना पड़ रहा है। कटिंग का सारा काम पहले हो जाने से खाना बनाने में काफी आसानी होती है। मशरूम को दो तीन पानी से, लेकिन हल्के हाथों से, क्योंकि मशरूम काफी सॉफ्ट होता है, तो उसे हल्के हाथों से दो तीन पानी से वॉश करके एक छन्नी वाले में, जाली वाले डलिया में रख दे, ताकि उसके पानी जो है वो निकल जाए अच्छे से। और गाजर का हलवा भी मेरा रेडी हो चुका है। ये दूसरी डिश जो है मेरी रेडी हो गई है, मैं बफर कर रही हूँ। बना रही हूँ काबुली चना और पनीर की सब्जी। तो इसमें ओवरनाइट सोक काबुली चना मैंने कर लिया है, और सरसों तेल में हल्का जीरा, लाल मिर्च और तेजपत्ता डालेंगे। उसके बाद प्याज, लहसुन आदि, टमाटर जो कि मैंने पीस के रख लिया है, गाड़ी की आवाज़, उसे हम डालेंगे। उसके बाद जितने भी सूखे मसाले हैं, जीरा, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारे मिक्स कर देंगे। मसाला भुनने के बाद उसमें हम काबुली चना डालेंगे, उसे कुछ देर भुनेंगे, उसके बाद हम उसमें पानी डालेंगे। थोड़ी देर हम मसाला को भुनने के लिए ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से मसाला अच्छे से पकता है, उसकी खुशबू अच्छे से आती है। और उसके बाद जब हम छोले को इसमें पकाएंगे, छोले के पक जाने के बाद हम पनीर को पीसेस में काटेंगे और उसे हल्का सा ऑयल में या फिर शुद्ध घी में फ्राई कर लेंगे और उसे इसमें मिक्स कर देंगे। और मशरूम में चाहिए आधी लहसुन चॉप, तो मेरे पास ये हाथ से चलाने के लिए है एक छोटा सा मिक्सर टाइप का, इसमें लहसुन आदि या प्याज कुछ भी डाल दीजिए। लाइन नहीं रहता है तब ये बहुत काम आता है, जब भी लाइट कट जाती है तो ये बहुत काम आती है। तो इसमें मैं लहसुन और आदि को एकदम छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ, और इसमें हरी मिर्च को भी चॉप कर दूँगी। ईजी होता है, चाकू से काफ़ी टाइम लगता है और इसमें टाइम बहुत कम लगता है। ये कितना अच्छे से चॉप्ड हो गई है। इधर मैं चढ़ा रही हूँ मशरूम की सब्जी। तो इसमें आप डालेंगे हल्का सा सरसों का तेल,
थोड़ा थोड़ा बटर, जीरा जो हमने चॉप करके अदरक और लहसुन रखा है उसे डाल देंगे। और इसे अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद इसमें चॉप किए हुए जो हरी मिर्च है उसे डाल देंगे। और इसे भी अच्छे से एक दो मिनट के लिए चला लेंगे ताकि अच्छे से इन सब का फ्लेवर बटर में आ जाए। और आपके आसपास जब गाड़ी की इतनी ज़्यादा साउंड आती है तो आपको पता नहीं चलता है कि आप तेज बोल रहे हैं कैमरा में कि धीरे बोल रहे हैं। और इसमें हम अपना सारा मशरूम डाल देंगे। और मशरूम को तेज आंच पे ही फ्राई करें क्योंकि मशरूम से बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो इसे तेज आंच पे फ्राई करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आप इसे हल्के हीट पे फ्राई कीजिएगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये छोड़ेगा। इधर हमारा मसाला भी हो चुका है। और मैं फिर से एक बार कह देती हूँ कि प्लीज़ किचन का जो मैस है उसको प्लीज़ इग्नोर करें, क्योंकि अकेले हाथ से सब चीज़ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। और जब तक आपका किचन का सारा कुकिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है किचन को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें जितना भी काबुली चना है उसको डाल देंगे और मसाले के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए मशरूम कितना ज़्यादा लग रहा था और ये भुनने के बाद कितना कम हो गया, और अभी और भुनना बाकी है। इधर पैन में मैंने शुद्ध घी डाल दिया है। अब इसमें हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। और पनीर फ्राई हो चुका है, इसे हम साइड कर देंगे। ये है मेरी 5 लीटर की कढ़ाई, इसमें मैं बनाने वाली हूँ मटर चावल। तो इसके लिए मैं अभी शुद्ध घी में मटर और गाजर को फ्राई करके रख दूंगी और चावल मैं शाम में बनाऊंगी। डायरेक्ट उसमें चावल को फ्राई करके और पानी डाल दूंगी और बन जाएगा। और ये चीज़ें पहले से रेडी रहेगी तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और ये जो घी है ये घर की घी है, मम्मी ने बना के भेजा है। घर पे दूध आता है तो मम्मी घी निकालती है तो भेज देती है मुझे और मेरे भाई को। गाजर मैंने सुबह ही कट करके रखा है।
ये देखिए, और इसमें डालेंगे गाजर, डालेंगे मटर, मटर भी मैंने सुबह ही छुड़ा के रखा हुआ है। कुकिंग के साथ साथ वीडियो शूट कर पाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ जो है चीजें, गंदगी फैल जाती है। उसके बाद आपको शूट भी करना है, चीजें भी करनी है, लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में हो तो करना ही पड़ता है। इसे अच्छे से शुद्ध घी में हम भून लेंगे इसे पकाने तक, उसके बाद इसे ढक के हम छोड़ देंगे। जब चावल बनाना है साल में तब इसमें चावल डालेंगे और पानी डालेंगे और काम खत्म हो जाएगा। ये हमारी तैयारी पहले से रहेगी तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। और हमारे बिल्डिंग का पानी वाला मोटर ख़राब हो गया है, जिसके कारण मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी फिर भी पानी ख़त्म हो गया। बचे खिचे पानी से मैं बर्तन वगैरह धो रही हूँ, जिसके कारण मैं वीडियो उतना शूट नहीं कर पा रही हूँ। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ कि जिस दिन आपके घर में गेस्ट आने वाले रहते हैं उसी दिन आपके घर में ऐसा कुछ होता है। और मोटर ठीक हो चुका है और पानी भी आ चुका है और मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। रोटी बनानी है जिसकी आलू की स्टफिंग रखी हुई है, इधर खीर रखा हुआ है, इधर गाजर का हलवा रखा हुआ है, इसमें मशरूम की सब्जी रखी हुई है, इसे सिर्फ गर्म करना होगा। इसमें काबुली चना और पनीर की सब्जी रखी हुई है। और मैंने बनाया है गुलाब जामुन। और चावल बनाने के लिए मटर और गाजर भून के रख लिया है। बना रही हूँ बूंदी का रायता और इसमें है दही, और दही में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, कोई गांठ ना रहे। और मैंने ये धनिया और जीरा और दो सूखी मिर्च का एक मसाला बनाया है, इसे रोस्ट करके। इसे मैंने सुबह ही बना के इस डिब्बी में, एयर टाइट डिब्बी में करके रख दिया था। और ये है ड्राई बूंदी, और इसमें ये सब चीज़ मैं मिला दूंगी ताकि बूंदी भी अच्छे से फूल जाए। बस नमक मैं लास्ट में ऐड करूंगी, क्योंकि नमक ऐड करने से पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है दही, जिसके कारण नमक मैं लास्ट में ऐड करूंगी। मसाले को मैंने इसमें डाल के अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी बूंदी, और स्मेल से आपको ये कुछ कुछ दही बाड़े का जो मिक्सचर होता है वैसा लगेगा, और दही बाड़े में भी तो एक्चुअल यही होता ही है। और मैंने इसमें ये सारा बूंदी डाल दिया, इसे अच्छे से मिला के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ये अच्छे से इसमें सोक्ड हो जाएगा। और मैं जो आलू का स्टफिंग रखी थी, तो आप इस तरह से पहले रोटी बेल लें, उसमें आलू की जो स्टफिंग है उसको चम्मच की सहायता से ऐसे फैला लें। इसे इस तरह से फैलाने के बाद इसे दोनों तरफ से ऐसे समेट दें, और इसे अच्छे से थोड़ा लंबा शेप दे दे। आपका बेलन जो है चक्की बेलन जो है थोड़ा सा गंदा होगा, क्योंकि आलू वगैरह की रोटी बनती है तो गंदा होता है, तो आप ये ना सोचे कि मैं गंदा यूज कर रही हूं। इसे लंबा करने के बाद इसे इस तरह से रोल कर ले। रोल करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर दें, दोनों किनारा एक तरफ, और ये जो बंद भाग है उससे आप बीच से एक कट लगा दें। कट लगाने के बाद इसे इस तरह से खोल दें, के बाद इसे इस तरह से बेल लें, और इसे गोलाकार शेप देना कंपलसरी नहीं है, इसे लंबा लंबा ही बनाएं। से इस तरह लंबा लंबा ही बेले। और इसे खारा खारा इस तरह से सेक लें, जैसे पराठा आप बनाते हैं आलू की बिल्कुल उसी तरह से।
और खाने में ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी आप लोग को। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो आ चुके हैं घर पे और डिनर चालू हो चुका है, तो सभी ने खाना शुरू कर दिया है और मैं सर्व करने के चक्कर में उतना ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो आप लोग देखिए कि कैसे खाना पीना चल रहा है। हाय, सबको मेरे कैमरे में एक बार हाय बोल दीजिए। तो सभी का खाना पीना हो गया है और सभी अब जा रहे हैं, रात के बज गए हैं 10, तो सभी के तरफ से आप सभी को गुड नाइट।